जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में जो JBT और BEd जो टीचर हैं जो लगे हुए हैं, उनसे संबंधित अहम नोटिस आया हुआ है जो आपके लिए अहम है। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। ये देखिएगा, शिक्षा मंत्री को दिया मांग पत्र, कहा गेस्ट टीचरों को किया जाए नियमित। आपको पता है कि हरियाणा में गेस्ट टीचर लगे हुए थे, बिल भी पारित हुआ, लेकिन अभी तक उस बिल की विसंगतियाँ होने के कारण अच्छे प्रकार से नियमित नहीं हो पाए हैं। हरियाणा अध्यापक जो अतिथि अध्यापक संघ के पदाधिकारी ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को मांग पत्र देकर उनकी मांगें स्वीकार करने की गुहार लगाई है। इस अवसर पर संघ के राज्य प्रधान सतपाल शर्मा मौजूद थे। सतपाल शर्मा ने मांग पत्र में कहा कि पिछले 14 वर्षों में 14,000 अतिथि अध्यापकों को बहुत ही कम वेतनमान मिल रहा है। इन्हें नियमित करके पूरा वेतन देने, मेडिकल सुविधा प्रदान करने, चिल्ड्रन भत्ता देने, समान काम समान वेतन देने, कक्षा 6 से 8 तक 1:35 रेशो लागू करने और दूसरे जिलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को गया जिले में लगाने की मांग की है। इस अवसर पर उन्होंने कैप्टस वैकेंसी खोलने की मांग की तथा रिटायरमेंट के बाद फिर से काम पर रखने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यह फिर से गेस्ट टीचरों से संबंधित मांग उठनी शुरू हो गई है। आपको पता है कि गेस्ट टीचर समय समय पर आंदोलन भी किया है, और एक समय तो ऐसा भी आया था गेस्ट टीचरों की जो है कुछ कारणों से आंदोलन के दौरान मृत्यु भी हुई, लेकिन अभी तक सरकार अच्छी प्रकार से संज्ञान नहीं दे पाई है। और उधर जो JBT और BEd कोर्स कर रखी है उनको भर्ती करवाने के लिए वे अपनी भर्ती करवाने के लिए बार बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। एचटेट हर समय होता है, लेकिन हर साल करीब 3 से 4 हज़ार का एचटेट जो है वो कैंसिल भी हो रहा है, क्योंकि उनकी जो सीमित सीमा है वो ख़त्म हो रही है और ओवरेज हो रही है भावी अध्यापक। लेकिन गेस्ट टीचरों के लिए भी बहुत बड़ी ये जो है कह सकते हैं कि बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन्हें नियमित नहीं किया गया। हालांकि बिल पारित कर दिया है, फिर भी बिल में भी संगतियां होने के कारण उन्हें नियमित नहीं किया गया है। तो धन्यवाद। जय हिंद।